वंदेहम श्रीगुरु श्रीपदकमलम श्रीगुरून वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादानगतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाईर करि चरण वंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री प्रेम संपुट पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं, जहां आपने जाना कि श्री कृष्ण के मन में एक बहुत प्यारी लालसा उत्पन्न हुई कि किशोरी जी का प्रेम किस प्रकार का है और किस सीमा तक उनका प्रेम जाता है, क्या इस प्रेम का कोई ध्वंस है, क्या ये नष्ट हो सकता है, ये प्रेम नष्ट हो सकता है कि नहीं, कैसी है प्रेम की प्रकृति। तो उन्होंने एक स्वर्ग की देवी का रूप धारण किया, देवांगना का रूप धारण किया और देवांगना का रूप धारण करके वो चले आई श्री राधा रानी के भवन में, भवन के प्रांगण में। और सखियों ने भी उनसे आने का कारण पूछा तो वो चुप रहीं। श्री राधा जी ने भी उनसे पूछा कि तुम क्यों आई हो, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, मेरा मन तुम पर बड़ा ही आकर्षित हो रहा है, तुम जैसी कोई रमणी ही मैंने नहीं देखी, तो लेकिन तुम दुखी क्यों हो, चुप क्यों हो, मेरी सखियों ने तुमसे पूछा यहाँ आने का कारण कि तुम कौन हो, कहाँ से आई, तो भी तुमने नहीं बताया। तब अनेक प्रकार की संभावनाएं अभिव्यक्त की श्री किशोरी जी ने कि क्या तुम्हारा अपने प्रेमी से बिछोह हो गया है, क्या तुम उनसे विरह की अग्नि में जल रही हो, या तुम्हारे पति में कोई दोष है, या उनकी कोई स्त्री है, अन्य कोई स्त्री है, आपकी कोई सौत है और उसने गर्व भरे शब्दों का प्रयोग किया है, उससे दुखी होकर तुम चली आई हो, कौन सा दुख है जो तुम्हें सता रहा है, मुझे बताओ। लेकिन देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, ये आपने जाना। इसके बाद बहुत मुश्किल से देवांगना ने कहा कि जब श्री कृष्ण की बंसी बजती है तो वो स्वर्ग में भी जाया करती है, और जब ये स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग की समस्त रमणियाँ अपने पतियों से घृणा करने लगती हैं, इतनी सुंदर बंसी है, क्योंकि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु या श्री कृष्ण अन्य राग, अन्य अभिलाषा, अन्य के प्रति आसक्ति को तुरंत समाप्त कर देते हैं। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है ना। श्री कृष्ण
की मधुरिमा ऐसी है कि श्री कृष्ण भी उससे चमत्कृत हो जाते हैं, और बंसी की मधुरिमा तो है ही इतनी ज़्यादा कि तिर्यक जाति, पशु पक्षी भी, नदी भी अपना स्वभाव परिवर्तन कर देती है। तो अगर स्वर्ग की देवियों का ये हाल था तो कोई अचंभा नहीं था, कोई हैरानी की बात नहीं थी। तो श्याम सुंदर की जो बंसी है वो इतनी मत करने वाली है उसकी ध्वनि, तो मैं उस ध्वनि का अनुसरण करते करते वृंदावन आ गई, और वृंदावन में देखा कि श्री कृष्ण जो है वो बहुजन वल्लभ हैं, बहु गोपियों के वल्लभ हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, और ये जो बहु वल्लभ वो हैं तो भी तुम उन्हें इतना प्रेम करती हो, और फिर श्री कृष्ण तुमसे वायदा करते हैं कि वो तुमसे मिलन करेंगे संकेत स्थान पर आकर, और रात्रिकाल वो किसी और रमणी के साथ अभिसार करते हैं, मिलन करते हैं, रमण करते हैं, तो ऐसे में तुम बहुत दुखी होती हो, बहुत करुण स्वर में रोती हो कि तुम्हारा क्रंदन सुनकर के पशु पक्षी तक रोने लगते हैं। तो मैंने ये सोचा कि श्री कृष्ण कितने कामुक हैं, कितने कामुक हैं, और तुम उनसे इतना प्रेम करती हो, तो तुम्हारा जो ये प्रेम और तुम्हारी जो सरलता, ये मुझको खाए जा रही है, मेरा मन बड़ा संतप्त हो रहा है। श्री कृष्ण से तुम इतना प्रेम कैसे कर सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि उनका स्वभाव ठीक नहीं है, वो चरित्र के ठीक नहीं है। तो यहाँ श्याम सुंदर अपनी ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी निंदा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि भाई सखी तुम ठीक ही कहती हो, वाकई वो बड़े कामुक हैं, पर क्या करूँ, कुछ तो ऐसा कहें। लेकिन बिल्कुल जिसकी आशा भी नहीं थी कुछ ऐसा कह डाला किशोरी जी ने, और ये कहा कि बड़ी ही विचित्र बात यह है कि आपकी तरफ मेरा मन अभी भी आकर्षित है जबकि आपने मेरे प्रियतम की निंदा कर दी। श्याम सुंदर गोपीजन वल्लभ हैं, ठीक बात है, अनेक अनेक गोपियों के साथ रमण करते हैं, ठीक बात है, लेकिन हमने जाना कि तत्वतः श्री राधा रानी ही समस्त गोपियों का रूप धारण करके श्याम सुंदर की मधुर रस भाव में सेवा करती हैं, श्रृंगार रस की सेवा करती हैं, है ना, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और योग माया जी ने इस पर किया भाव का आवरण ओढ़ाया है समस्त गोपियों को, श्याम सुंदर को, जहाँ पर श्याम सुंदर रस निर्यास का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम की प्रगाढ़ता और उत्कर्षता तभी होती है, जैसे कि हमने जाना कि जहाँ पर प्रेम की दुर्लभता हो, प्रेमी प्रेमिक, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में दुर्लभता हो, बहुत सारी बाधाएं हो, और प्रचंड कामुकता हो, है ना, प्रचंड कामुकता हो, ये सब कुछ हो, तो फिर ये जो प्रेम है ये बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो परकिया भाव को उड़ाया गया, जबकि श्री ब्रह्म संहिता में कहा श्रिय कांता कांता परम पुरुषः कल्पतरुः, यानी कि ये समस्त जो गोपियाँ हैं श्याम सुंदर की अपनी ही कांताएँ हैं, अपनी ही हैं, अपनी ही स्त्रियाँ हैं, लेकिन इनके साथ श्याम सुंदर परकिया भाव की लीला कर रहे हैं। और योग माया ने इसका प्रबंध किया है, जहाँ पर गोपियों को ब्याह का भ्रम कराया है कि उनका ब्याह हो गया है, और गोपियाँ ये मानती हैं कि हमारा ब्याह हो गया है, और योग माया यहाँ तक अपनी लीला का विस्तार कर रही हैं कि उन्होंने जब गोपियाँ चली जाती हैं बाहर श्याम सुंदर से मिलने के लिए, तो योग माया उन्हीं की जैसी एक गोपियाँ घरों में उनके पति के आगे, सास ससुर के आगे प्रकट कर देती हैं, वो भी ऐसी डोलती दिखती है, काम करती हुई दिखती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जो ये जो गोपी हैं ये योग माया जी द्वारा हैं, यहाँ पर लाई गई हैं, तो ना ही गोपियाँ ये जानती हैं। और जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में कस्तूरी मंजरी जी बोल रही हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, उन्होंने कहा है आमी हो ना जानी गोपी गोपीगण, मैं भी ना जानूं और गोपियां भी नहीं जानती हैं, क्योंकि ये नर्वत लीला है, नर्वत लीला के माधुर्य की रक्षा ही नहीं होगी अगर श्री कृष्ण की सर्वज्ञता बरकरार रहेगी, और समस्त गोपियां ये जान जाएंगी हम तो नित्य कांताएं हैं, हम तो खेल खेल रहे हैं,
तब उस खेल में कोई आनंद नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं जानती हैं, ना श्याम सुंदर जानते हैं ना गोपियाँ ही जानती हैं। तो इस परकिया भाव के अभिमान में ये लीला हो रही है कि श्याम सुंदर जो हैं वो गोपीजन वल्लभ हैं, ठीक है ना। तो किशोरी जी ने बताया कि ये जो प्रेम है ये कोई साधारण प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसा है ये कि श्री कृष्ण के सुख के लिए अगर बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए तो वो हमारे लिए सुख है, और श्री कृष्ण अगर नहीं मिले और हमें बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा हो, श्री कृष्ण के मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो वो जो सुख है वो दुख है। ये हमने जाना और बहुत कुछ जाना इस प्रेम के विषय में। ये प्रेम बहुत ही ज़्यादा भारी तत्व है और ये ध्वंस नहीं होता क्योंकि निरुपाधिक है। यहाँ कोई आशा नहीं है श्याम सुंदर से किसी भी चीज़ की। रूप और गुण, अगर संबंध नहीं है तो प्रेम कैसे है। तो बोला रूप और गुण ही, एक दूसरे का रूप और एक दूसरे के गुण ही आकर्षित करते हैं एक दूसरे की तरफ, श्याम सुंदर को और राधा रानी को, और उसी से ही उत्पन्न हुआ है वो संबंध, है ना। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन हम सुनते चले आ रहे हैं, तो इस वर्णन को हम आगे जारी रखते हैं। जहाँ पर किशोरी जी ने ये कहा कि देखो समस्त लोकों में चले जाओ तो ब्रजेंद्र नंदन के अलावा कोई अन्य कोई भी नायक प्रेम का विषय नहीं हो सकता है, मात्र ब्रजेंद्र नंदन ही प्रेम का विषय हो सकते हैं, क्योंकि वो निश्चिंत हैं, निश्चिंत हैं, राजा के पुत्र हैं, उन्हें कुछ करना धरना नहीं है। काल, कर्म, माया, इंद्रियों की वृत्ति, इन सब से वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, जबकि मनुष्य इन सब से बहुत प्रभावित है। तो वो बेचारा कहाँ प्रेम कर सकता है, वो ना ही श्रृंगार रस की उपलब्धि ही कर सकता है। श्रृंगार रस क्या है ये तो प्रिया प्रियतम ही जानते हैं, श्रृंगार रस की क्रीड़ा वही कर सकते हैं। इस जगत पर श्रृंगार रस की क्रीड़ा कहीं नहीं हो सकती, है ना। इस शरीर के द्वारा उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। एक आभास और उसका भी कण का आस्वादन करके हम सोच भी नहीं सकते कि प्रिया प्रियतम का जो प्रेमात्मक संबंध है वो किस प्रकार का है। यहाँ तो कामात्मक है, निज इंद्रियों की तुष्टि, वहाँ पर है श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि। श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, श्री कृष्ण के सुख के लिए किए गए कार्य को ही भक्ति कहते हैं। कृष्ण सुख के लिए हम जो कुछ करते हैं वही भजन और भक्ति है। गोपियाँ अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा श्री कृष्ण के सुख का विधान करती हैं, इसलिए गोपियाँ परम भक्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम के लोलुप हैं, प्रेम ही आस्वादन करते हैं, और गोपियाँ तो प्रेम के बहुत ऊपर की कक्षा में हैं, महाभावती हैं। और श्री किशोरी जी तो महाभाव से बनी ही हुई हैं, उनकी काया, उनका मन, उनका चित्त जो है वो प्रेम से विभावित है। तो इसलिए श्री राधा रानी का जो प्रेम है बड़ा ही विशिष्ट है। तो पहले तो यही बताया कि श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का अभिमान भी त्याग किया हुआ है कि वो भगवान है वो जानते ही नहीं। तो अगर कोई अपने स्वरूप, कोई भगवत स्वरूप भी है, वो तो अपने स्वरूप का अभिमान त्याग ही नहीं कर पाता है, उसके हृदय में ये बात बनी ही रहती है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन श्री कृष्ण तो जानते ही नहीं है, है ना। सभी सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो ग्वाला है, ये तो गोप कुमार है। तो बहुत संपूर्ण रूप से वो निश्चिंत हैं, वो राजा नहीं है, और अपनी भगवत्ता तक को भूल जाते हैं प्रेम करते समय, इसलिए वही एकमात्र प्रेमिक कहला सकते हैं। और इस जगत में और अन्य जगत में और कहीं भी कोई प्रेमिक नहीं कहला सकता। और आगे किशोरी जी कह रही हैं कि प्रेमिका कौन कहला सकती है। श्री कृष्ण की प्रेमिका का भी तो कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए ना, अगर प्रेमी की योग्यता है तो प्रेमिका की योग्यता क्या है। तो बोल रही हैं कि संपूर्ण रूप से जो अन्य अभिलाषा को हृदय से हटा चुकी है, यहाँ तक कि स्वसुख को वो ढूंढती भी नहीं है, उसका लेश मात्र भी वो नहीं जानती स्वसुख क्या होता है, अपने इंद्रियों का सुख या अपना सुख क्या होता है वो नहीं जानती। कृष्ण सुख ही उसका एकमात्र ध्येय है, उद्देश्य है,
प्रेम का उद्देश्य भी श्री कृष्ण का सुख ही है, अपना सुख नहीं जानती, अपने सुख को दृष्टि में रख करके वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती है। श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनका सारा प्रयास है, उनका सजना धजना संगम करना, श्याम सुंदर से समस्त व्यवहार, अपने अंग का मार्जन भूषण, सब कुछ श्री कृष्ण के सुख के लिए है। तो गोपी यानी कि प्रेमी गोपी प्रेमिका वही हो सकती है जो स्व सुख अनुसंधान का लेश मात्र भी हृदय में ना रखे। इसीलिए एकमात्र ब्रज गोपियों के अलावा इस प्रकार का भाव कहीं भी दिखने में नहीं आता। इसीलिए श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के प्रेम के पूर्ण वशीभूत हैं। महिषियों में पत्नियों में जो जितनी भी भगवत कामताएं हैं वहां पर स्व सुख कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, लेकिन गोपिकाओं में कोई स्व सुख की बात नहीं है, वो तो समस्त धर्मों का हंसते हंसते त्याग कर देती हैं, है ना। इतनी भर्सना ताने सब कुछ सुनते सुनते, नर्वत लीला है, सब भर्सना ताने सब कुछ होंगे इस नर्वत लीला में, सब कुछ होगा, है ना। कोई ये नहीं जानता कि हाँ भाई ये तो किशोरी जी तो आह्लादनी शक्ति है, ना किशोरी जी ही जानती हैं कि मैं नित्य कांता हूँ, ना श्याम सुंदर ही जानते हैं कि मैं सर्वज्ञ शिरोमणि हूँ। ये बात याद रखिए, अगर जान जाए तो फिर रस की उपलब्धि नहीं होगी, रसो वैसा नहीं कहला पाएंगे वो पूरी तरह से, क्योंकि वो तो रसिक शेखर हैं और रस के आस्वादन के लिए ही वो अपनी नित्य कांताओं को इस प्रकट लीला में उतारते हैं, और प्रकट लीला में उतार करके उनको परकिया अभिमान योग माया जी देती हैं। श्याम सुंदर को वो उपपति सोचती हैं, जार बुद्धि से देखती हैं, है ना, पैरामूर लव, और जो है श्याम सुंदर भी जो है उनको इसी तरह से देखते हैं कि ये कुल वधुएँ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में दोनों के रूप गुण के कारण अत्यधिक प्रेम हो जाता है। और ये जो नाटक है वस्तुतः वो नाटक नहीं रहता है उनके लिए, वो हकीकत हो जाती है, वो वास्तव में परकिया का अभिमान पोषित करते हैं, मतलब उसका पोषण होता है उनके अंदर। तो ब्रज गोपियों के अलावा स्वसुख अनुसंधान रहित प्रेम कहीं नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म, लोक धर्म, देह धर्म, लज्जा तक का त्याग करना बहुत मुश्किल है। देह धर्म का त्याग करना, देह तो कितना कुछ मांगता है सुख, लेकिन देह को वो सुख नहीं देती हैं, श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं। आत्म सुख, आत्मीय परिजन, उनकी ताड़ना भर्सना डांट डपट गाली गलौज सब कुछ सहती हैं, और सबका परित्याग कर दिया है उन्होंने, सबका परित्याग, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए वो उनकी ही प्रेम सेवा करती हैं। इसलिए ब्रज सुंदरियां ही श्री कृष्ण को यथार्थ सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम कर सकती हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। अगर हम बोले कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं तो ये असत्य है। अरे तमाम स्व सुख की वासनाएं हृदय में खेल रही हैं और हम बहुत प्यार करते हैं, है ना, हमने बाजे बजा दिए, नगाड़े बजा दिए, घर बार छोड़ दिया, कृष्ण तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अरे सब ड्रामा है, कुछ नहीं है, स्व सुख सब का सब अंदर ही खेल रहा है कि नहीं। तो आगे बोला गया कि कभी कभी, अब ये बड़े ध्यान से सुनिए, कभी कभी ये जो प्रेम है ब्रज गोपियों का, ये जो प्रेम है ये वो इस प्रकार से अभिव्यक्त करती हैं जैसे कि काम है। श्री कृष्ण के सुख के लिए ही वो जीती हैं, यहां तक कि कृष्ण अगर मथुरा चले गए तो किशोरी जी देह त्याग करना चाहती हैं तो भी नहीं करती हैं, कहती हैं अगर कृष्ण को पता चला तो कितने दुखी होंगे, तो ये मैं उनके विरह रूपी विष को पीती रहूंगी, कम से कम मेरी जीवन से कि मैं जीवित हूं उनको सुख मिलेगा, वरना वो टूट जाएंगे। सोचिए क्या तो प्रेम की पराकाष्ठा है, कितना विरह सहते हुए भी वो कैसे श्री कृष्ण के सुख के लिए जीती हैं। तो ये जो प्रेम है कभी कभी काम की तरह बाहर प्रकाशित होता है, लेकिन उससे श्री कृष्ण को बड़ा सुख मिलता है। अगर
गोपियाँ आ जाएं श्री कृष्ण के पास और बोलें, राधा रानी बोले, श्री कृष्ण एकमात्र मैं आपके सुख के लिए जीती हूँ, ये देख रहे हैं ना मेरा ये सारा श्रृंगार, ये सिर्फ आपके सुख के लिए है, है ना, आपको क्या लगता है मैं जो है आपकी आंखें, आपके आपके होठ, आपके सुंदर सुंदर सुडोल बाहु, ये आपके इंद्र नील मणि जैसा सुंदर शिव विग्रह, ये क्या मुझे आकर्षित करता है? नहीं, मैं अपने अंग से आपके इस अंग की सेवा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आप सुखी हो, मैं आकर्षित नहीं हूँ। तो क्या ये सब सुनकर श्री कृष्ण को आनंद होगा कि नहीं भाई तुम ऐसा है, प्रणाम है, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, है ना? अरे कहीं से तुम्हारे अंदर लालसा है मुझे प्राप्त करने की, तुम जो है मरे जा रहे हो कि तुम्हारी जो है श्याम सुंदर, आपकी ये आंखें ये कितनी सुंदर है, शरद उदास ये है? तो जब तुम्हारी हालत ऐसी खराब हो रही है और दिखा रहे हो श्री कृष्ण आपकी सुंदरता कितनी प्यारी है और इस सुंदर अंग को, इस सुंदरता की सेवा करने का हमें मौका दो, हम इस सुंदरता को ग्रहण करना चाहती हैं, हमें अपनी दासी बना लो, हम आपके बिना रह नहीं सकती, तो श्री कृष्ण को कुछ लगेगा कि हाँ देखो मेरे रूप से कैसी मत्त हैं, है ना? तो लेकिन अगर सीधा बोल दिया तो बात बनेगी क्या? इसीलिए यहाँ पर हमारे श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी कह रहे हैं कि देखो उनका जो प्रेम है अक्सर काम के रूप में प्रकट होता है बाहर, अभिव्यक्ति ऐसे करेंगी कि जैसे उनसे ज्यादा कोई काम ही है ही नहीं, श्री कृष्ण के रूप पर एकदम वो दीवानी है, श्री कृष्ण का रूप और गुण हमें जीने नहीं देता, हम क्या करें, ऐसा दिखाएंगे, है ना? इसका एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल है, सिंचांग नस्व दधारामृत पूरकेण हासाव लोक कल गीत जहरिच्छ याग्नि नो चेद वयम विरहा जाग्नियुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। श्री कृष्ण से मिलने जब रास में गई, श्याम सुंदर ने बंसी बजाई मिलने के लिए आई, तो श्याम सुंदर ने उनकी बड़ी ही उपेक्षा की, बातें सुनाई, क्या करने आई हो, रात्रि कितनी सुंदर है ये देखने आई हो यहाँ पर, या यहाँ कितने भयंकर भालू वगैरह हैं, भयंकर जंतु हैं, तुम्हें डर नहीं लगा, क्या करने आई हो यहाँ पर अपने पतियों को छोड़कर, है तुम्हें अपना तो अपनी तो कोई चिंता नहीं लेकिन मेरी तो चिंता करो, लोगों को पता चल गया मैं अकेला हूँ और तुम इतनी सारी मेरे से मिलने आई हो, रात को मैं तुमसे मिला है? तो मेरे लिए मेरी कितनी बदनामी होगी, कुछ तो सोचो। तो बहुत बहुत सुनाया सुनाया, गोपियाँ अपना प्रेम गुप्त रखती हैं, बड़ी ही लज्जाशीला हैं, लेकिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने श्लोक कहा जिसका अर्थ है, हे प्राणवल्लभ, हे हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है, है ना? तुम्हारे प्रेम की अग्नि धधका दी है और हम तुमसे मिलने की आकांक्षा में जली जा रही हैं, उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। देखिए कैसी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल लग रहा है कि ओहो श्री कृष्ण का भोग करना चाहते हैं, ये सुनने में यही लग रहा है ना महाकामी, लेकिन ये नहीं है, ठीक उल्टा है, यही तो एक अचिंत्य व्यापार है। गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं कि गोपियाँ अपने प्रेम को बहुत गुप्त रखती हैं और ऐसा दिखाएंगी कि श्री कृष्ण के बिना वो जी नहीं पा रही हैं, मगर सत्य यह है कि श्री कृष्ण को सुख देने की आकुली व्याकुली के कारण वो जी नहीं पा रही हैं। कहती हैं कि तुम इसे अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। सोचिए, तो कहने का अर्थ यह है कि जो गोपियां हैं उनका प्रेम काम की तरह प्रकाशित हो जाता है लेकिन इससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होगा ही, अपने आप को अगर वहां रख के देखें, किसी को ये एहसान थोड़ी चाहिए कि हम
तुम्हारा सेवा करना चाहती हैं, इसीलिए हम भागी चली आई हैं। मगर ऐसे तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है या तुम्हारी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं कि हम खींच रही हैं तुम्हारी तरफ। वो दिखाएंगे कि हम बस खींची जा रही हैं, तुम्हारी तरफ खींची जा रही हैं। तुम्हारी मधुर मुस्कान कितनी सुंदर है, हमारे हृदय में तुम्हारे विरह की व्यथा जागृत हो रही है, मिलन की आकांक्षा जोर मार रही है। तुम ही इसे अपने अधरों के रस से बुझा सकते हो, बताओ। श्याम सुंदर तो प्रफुल्लित हो जाएंगे सुनकर, है ना। देखो तो प्रफुल्लित हो जाएंगे ये जानकर ही तो वो बोल रहे हैं कि इससे श्री कृष्ण को सुख होगा। आ धन्य है गोपियों का प्रेम। विदग्ध शिरोमणि कलावान श्री कृष्ण जो है वो समझते हैं, क्या समझते हैं, वो ये बात समझते हैं कि ये प्रेम से उत्थित इनकी वाणी है कि काम से उत्थित, ये फर्क वो जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को प्रेम की तरह अभिव्यक्त करे तो श्री कृष्ण तुरंत समझ जाते हैं कि हृदय में काम है, निज इंद्रिय तृप्ति की वासना है और बोल रही हैं बहुत मीठी मीठी बातें। लेकिन यहाँ उल्टा है, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति की वासना है मगर बोल रही है ऐसे कि जैसे निज इंद्रिय तृप्ति की वासना है। और जो अन्य जगह ऐसा होता है कि निज इंद्रिय तृप्ति की वासना है, बोल रही है इतना मधुर कि जैसे कृष्ण की सुख की वासना है, श्री कृष्ण को सुख मिले। आत्मेंद्रिय तर्पण का नाम ही काम है और आत्म सुख के प्रति बिंदु मात्र दृष्टि ना रख करके केवल मात्र श्री कृष्ण की इंद्रियों के प्रति प्रीति विधान करने का नाम ही प्रेम है। ब्रज सुंदरियों में जो प्रेम है वो प्रेम जगत की बहुत ही उच्च अवस्था का प्रेम है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं वो श्री गोपी गीत का, यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हमस्तनेषु, ये उदाहरण देते हैं। कहते हैं देखिए गोपियों का प्रेम कितना महान है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर को कहती हैं कि आपके चरण कमल कितने कोमल हैं। सद्य प्रस्फुटित यानी अभी अभी जो प्रस्फुटित कमल है वो कितना कोमल होता है, उसकी अपेक्षा भी बहुत कोमल हैं। और उन कोमल चरण कमलों को हम अपने वक्ष स्थल पर डरते डरते धारण करती हैं कि कहीं हमारे कर्कश स्तनों से आपके सुकोमल श्री चरण में चोट ना लग जाए। हम डरती हैं। श्रृंगार रस में अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या ये संभव है? प्रेमी यानी जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका चरण या कोई भी अंग पा करके कितना प्रफुल्लित हो जाएगा, उसको तो अपने हृदय से खींच के लगा लेगा। है डरते डरते रखेगा क्यों? कभी तो डरते डरते रखेगा नहीं, वो तो उसमें कितना सुख पाएगी। आहा, मैं अपने श्याम सुंदर के श्री चरणों को अपने हृदय से लगा पा रही हूँ, कितना सुख पाएगी। लेकिन वो कह रही डरते डरते रखते हैं कि कहीं हमारे कर्कश स्तन से तुमको कहीं चोट ना लग जाए, तो फिर क्यों रखती हो, मत रखो। नहीं, हम इसलिए रखती हैं क्योंकि हम जानती हैं कि जब हम अपने वक्ष स्थलों पर आपके श्री चरण रखती हैं तो आपको बहुत सुख मिलता है। ये सुख कौन सा सुख है? ये सुख है प्रेम से प्राप्त किया गया सुख। गोपियों के हृदय में जो प्रेम ही प्रेम का भंडार है, असीम भंडार है, उस भंडार से जो उत्थित भाव है, उस भाव से युक्त होकर के श्री किशोरी जी जब श्याम सुंदर के चरण रखती हैं, उस भाव से भावित होकर जब हमारी प्यारी भाविनी जी रखते हैं तो श्याम सुंदर को सुख मिलता है क्योंकि वहाँ उनको प्रेम का स्पर्श मिलता है, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। और वो भी किशोरी जी का प्रेम तो फिर क्या बात है। लेकिन वो सोचती हैं कि चोट लग जाएगी, तो वहां पर काम नहीं है। आत्मेंद्रिय तर्पण की वासना का लेश मात्र गंध नहीं है। बड़े ध्यान से समझना होगा ये, तभी किशोरी जी का प्रेम कुछ हद तक कहीं अंदर आएगा, है ना। तभी समझ आएगा कि वो जितना उनसे प्रेम करती हैं या जितना उनके साथ श्रृंगार रस की लीला करती हैं या जितनी काम क्रीड़ाएं करती हैं, वहां स्वसुख की लेश मात्र भी गंध नहीं है।
अगर लेश मात्र गंध हो तो वो कृष्ण से नहीं छुप सकती, वो श्री कृष्ण से नहीं छुप सकती। तो अपने सुख की तरफ दृष्टि ना डाल करके केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख पर निगाह रखना, उसका नाम ही है प्रेम। और ब्रज सुंदरियों का ये जो प्रेम है ये इतना उच्च है कि इसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम में और प्रेम में बड़ा अंतर है। काम अंधतम, भयंकर अंधकार है काम, प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम निर्मल सूर्य की तरह है। अब बताओ अंधकार और सूर्य एक जगह रह सकता है क्या? जहां पर सूर्य है वहां अंधकार का नामो निशान नहीं रह सकता। तो जहां श्री कृष्ण है वहां माइक काम कैसे रह सकता है भला? नहीं रह सकता है, वहां सिर्फ प्रेम रूपी निर्मल भास्कर ही रहेगा। अतएव गोपी गणे नाही काम गंध, कितना भी उनके मिलन संभोग की लीला आप क्यों ना सुन लें, लेकिन हर बार एक बात गांठ बांध के रखना कि ये प्रेममयी लीला है, प्रेम से उत्थित है और यहाँ पर निज इंद्रिय के तर्पण की कहीं कोई इच्छा नहीं है। श्याम सुंदर में भी नहीं है। श्याम सुंदर में ये इच्छा तभी प्रकट होती है जब भक्त में ये इच्छा है, जब उन्होंने गोपियों में इस इच्छा को देखा कि वो अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा करना चाहती है, तो उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई कि ठीक है तुम अपनी इंद्रियों से सेवा करना चाहती हो, मैं अपनी इंद्रियों से उन सेवा को ग्रहण करने की वासना से युक्त हो गया। तुम्हारी इच्छा ने ये इच्छा जागृत की है, समझ गए? तो कहीं से कहीं भी दोनों के अंदर कहीं से काम नहीं है, बस प्रेम है। प्रेम वो गोपियों को सुख देना चाहते हैं, ये इनको सुख देना चाहती है। तो कृष्णेर सुख, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्णे से संबंध, श्री कृष्ण से जो संबंध है, जो संगम है, जो विहार है श्री कृष्ण के साथ, जो अपने अंगों का मार्जन, आभूषण पहनना, सजना सवरना, सुंदर रूप धारण करना, श्री कृष्ण हमको देखकर सुखी हूँ, बस सुखी हूँ। श्रृंगार रस धीर ललित नायक हैं, श्याम सुंदर श्रृंगार रस की मूर्ति हैं, याद रखना होगा धीर ललित नायक। किंतु काम और प्रेम इस प्रकार से अलग होते हुए भी उनके कार्य बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। काम और प्रेम में अंतर समझ आ गया ना, लेकिन दिखेगा वो एक जैसा। जहाँ कामी व्यक्ति, प्रेमी और प्रेमिका, जो कामी है वो एक दूसरे से आलिंगन, चुंबन, संभोग आदि करेंगे, वहीं पर जो ये परम प्रेमिक श्याम सुंदर और गोपियों का विहार है वहां भी हमें ये सब दिखेगा, आलिंगन चुंबन आदि सब दिखेगा। लेकिन तथापि मात्र सादृश्य है, समानता है। एक एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल ये है कि एक माता जी है माँ, और उनका एक बेटा है 25 साल का, विदेश से आया, 5 साल बाद माता जी से मिला और माँ जो है उनसे मिल रही है और आलिंगन हो रहा है, चुंबन हो रहा है, खूब आलिंगन और खूब चुंबन हो रहा है, खूब प्यार हो रहा है। तो वहां पर किसी की कुदृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। एक बच्चे से माँ का, या एक बेटी से पिता का है, या एक छोटे से बच्चे को जब हम प्रेम करते हैं, आलिंगन भी है, चुंबन भी है, खेलते भी हैं उसके साथ, लेकिन क्या वहां कुदृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ काम नहीं है, सीधी सी बात है। वो भी लड़का है, माता एक स्त्री स्वरूप है, बेटा एक पुरुष स्वरूप दिख रहा है, पुरुष तो हालांकि ठाकुर जी हैं, लेकिन एक लिफाफा टाइप का जिसमें वो है, देह पुरुष जैसा दिख रहा है। तो वो उनका जो आलिंगन चुंबन है वहां पर हमारी कोई गंदी सोच आती ही नहीं है। ऐसे ही प्रिया प्रियतम का जो आलिंगन, चुंबन, क्रीड़ा, संभोग, जितनी भी मिलन की क्रीड़ाएं हैं, जो भावुक रसिक भक्त हैं वो उन क्रीड़ाओं को देखकर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। रोने लगते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं, हाहाकार करने लगते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनका
ये प्रेममय आलिंगन चुंबन देखकर। यहाँ प्राकृतिक स्त्री पुरुष का भाव तो है नहीं, श्याम सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, और किशोरी जी इतनी सुंदर, उनका प्रेम मादना क्या भाव का प्रेम, महाभाव, इतना प्यारा प्रेम, श्याम सुंदर को सुख देते हैं। तो उनका जो दोनों का जो शिव विग्रह है वो ऐसा थोड़ी ना है, ये चमड़ा ये देखो उठ गया है और फिर नीचे चला गया है, फिर उसके बाद इसमें झुर्रियाँ पड़ गई या फिर जो है थूक निकल रहा है, अधर पान कर रहे हैं, अधर पान कर रहे हैं श्याम सुंदर किशोरी जी का, तो वहाँ से सच में अमृत का पान हो रहा है, प्रेमामृत का पान हो रहा है। किशोरी जी की आंखों में से अलग खुशबू आती है, सुगंध आती है, होठों में से अलग, गले में से अलग, नाभि कमल में से अलग, नीचे के अंगों में से अलग, चरण कमल से अलग और हस्त कमल से अलग। देखते हैं तो लगता है कि ओहो ये तो एकदम कमल से भी बड़े खूबसूरत हस्त हैं, उनके कोई तुलना ही नहीं दी जा सकती श्याम सुंदर के हस्त कमल की और प्रिया जी की। हम कमल कमल बोलते हैं ताकि सुनने में सुंदर लगे, लेकिन वो बड़ी ही मूर्ख वाली बात है, मूर्खता वाली बात है। जगत की किसी भी वस्तु से भगवान के श्री अंग की तुलना नहीं दी जा सकती, और इतने लावण्य से भरपूर हैं श्याम सुंदर, इतने लावण्यमय हैं, ऐसी नीली आभा छिटकती रहती है प्रिया जी से, स्वर्णिम आभा छिटकती रहती है, उनकी बोली इतनी सुंदर है, उनका रसालाप इतना सुंदर है, वो इतने सुगंध से भरे हुए हैं, वहां कैसे प्राकृतिक औरत आदमी की छी छी बुद्धि लगा सकते हैं, बड़ी ही घृणित बुद्धि है जो कोई ये सोचते हैं। और वो रस लोलुप है, प्रेम लोलुप है, तो बहु गोपी वल्लभ है, बहु गोपियों के साथ जो उनकी काम क्रीड़ा है वो वस्तुतः प्रेम क्रीड़ा है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी ही महत कृपा, गुरु कृपा, भजन का आश्रय, निष्कपटता, निरपराधता, सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो एंट्री संभव नहीं है उस लीला जगत में, प्रवेश संभव नहीं है उस रस जगत में, ठोकरे खा लोगे। अपनी पत्नियों के साथ जो व्यवहार तुम करते हो, अगर तुम सोचो कि श्याम सुंदर और प्रिया जी के मिलन का वही व्यवहार है, तो तुम में तो ब्रह्म दोष हो गया, पर ब्रह्म में दोष दृष्टि आ गई, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत आवश्यक होगा तब संकीर्तन की सहायता ली जाए, सिर्फ संकीर्तन, नाम संकीर्तन में डूबो, हाहाकार में डूबो, गुरु वैष्णवों के चरणों में रोते रहो, प्रार्थना करो कि हमें इस युगल प्रीति को समझाओ, है ना। रूप रघुनाथ पदे कबे होइबे आकुति और कबे हम बुझिबो से युगल प्रीति, क्यों नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि उस युगल प्रीति को मैं कब समझूंगा, क्योंकि उसे समझे बगैर हम परमानंद की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। निरानंद ही रह जाएगा, आनंद धाम में आगे भी निरानंद की अवस्था को ही प्राप्त करेंगे। उसे समझना भी पड़ेगा और उससे सुंदर कोई वस्तु ही नहीं है, उससे सुंदर कोई वस्तु ही नहीं है। श्रृंगार रस का खेल, श्याम सुंदर के श्री अंग का माधुर्य, प्रिया जी के श्री अंग का माधुर्य, प्रेममयी लीला, हाँ, जिसका दर्शन मुनींद्र करते हैं, हाँ, जिसका दर्शन परमहंस करते हैं, वो जगत से बिल्कुल विरक्त हैं, जिनके हृदय में कोई अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषा ही नहीं है, जिनका हृदय एकदम निष्कपट निरपराध है, जो कहीं दोष दृष्टि रख ही नहीं सकते क्योंकि वो रस में इतने डूबे होते हैं। तो हम कहते हैं रस कथा, रस कथा, रस कथा, पर रस कथा लेने के लिए क्या हमारे पास वो पात्र है, क्या हमारे अंदर श्याम सुंदर के प्रति प्राकृत नायक की बुद्धि तो नहीं आ जाएगी, है? यहां तो मात्र प्रेम है, देखने में, चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, छूने में, आलिंगन में, चुंबन में, मिलन में, सब में मात्र प्रेम है। कामदेव तो वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते, श्याम सुंदर खुद अप्राकृतिक काम है, कामदेव है, अप्राकृतिक नवीन मदन, नवीन मदन बोलते हैं उन्हें, अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर, उनका सौंदर्य बिना प्रिया जी के दासी बने हम कभी उपलब्ध कर ही नहीं सकते हैं। प्रिया जी की दासी के स्वरूप में ही बैठ करके उनका सौंदर्य, प्रिया जी का सौंदर्य उपलब्धि में आ सकता है, अनुभव में आ सकता है गुरु गौरांग की कृपा से, अन्यथा असंभव है, अन्यथा असंभव है।
है ना। इसलिए जब कोई विवाहित व्यक्ति जब इस प्रसंग को सुनता है तो बड़ा डेंजर हो जाता है, खतरा हो जाता है, क्योंकि वो वही सोचने लग जाता है कि जैसे मैंने अपने पत्नी का भोग किया वैसे ही क्या, बस वो मरा। या किसी के हृदय में बहुत, मतलब देखिए, कोई व्यक्ति अगर इस जगत में कामी है किसी स्त्री के प्रति, या कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति कामी है, तो ये बुरी बात नहीं है। वो काम, वो अनुराग जब भजनमय हो जाएगा, भजन की तरफ मुड़ जाएगा वो काम, वो अनुराग, तो वो श्री कृष्ण की तरफ, युगल सरकार की तरफ दौड़ने लगेगा। तो महाकामी व्यक्ति बहुत जल्दी राधा श्याम सुंदर के प्रेममय लीला को समझ पाते हैं, है ना। अगर उन पर गुरु गौरांग की कृपा हो जाती है तो वो जो महाकाम है वो परिवर्तित तो हो जाता है महाप्रेम में। लेकिन इंग्रेडिएंट तो होना चाहिए, इंग्रेडिएंट होना चाहिए। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये बड़ा कामी है। कामी है तो बहुत अच्छी बात है, इसके पास इंग्रेडिएंट है, वो चीज़ है, वो सामग्री है, ये बस गुरु गौरांग इसको परिवर्तन करके ऐसा महाकामी बना देंगे, युगल सरकार की माधुर्य का लोलुप, उस रस का जो है भोगी, जैसे हमारे गौर परम भोगी हैं, माधुर्य अमृत का आस्वादन कर रहे हैं, श्री कृष्ण माधुर्य अमृत का, प्रिया जी के प्रेमामृत का, उनसे ज़्यादा तो कोई भोगी है ही नहीं, वो महाभोगी हैं। उस भोग को ले भी नहीं पाते हैं, अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी कूर्माकृति हो जाती है, कभी दीर्घाकृति हो जाती है ना। तो ये समझना होगा। तो इसलिए काम और प्रेम में जो क्रियाएं हैं वहां पर सादृश्य है, समानता है, लेकिन बाह्य दृष्टि में जो प्रेम है, इसलिए कई बार होता है कि जो बाह्य दृष्टि में यानी बाहरी रूप से ये जो प्रेम है वो काम जैसा लगता है, बाहरी दृष्टि से प्रेम काम जैसा लगता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि ब्रज गोपियों का प्रेम ही काम रूप से प्रकाशित होता है ना। वो बोलती ही ऐसा है, चलती ही ऐसा है, श्याम सुंदर का रूप का वर्णन ही ऐसे करती हैं, बंसी ध्वनि का ऐसा उनका अपूर्व वर्णन रहता है, श्याम सुंदर की तरफ देखती ही ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने मान लो नलिकाएं लगा ली हैं अपनी आंखों में और वहां से वो रूप सुधा का पान कर रही हैं, इतनी दृषित होकर के वो पान करती हैं कि लगेगा कि महाकामी है, कौन समझेगा उनके प्रेम को बताइए। लेकिन उद्धव जी समझे उनके प्रेम को। उद्धव जी ने कहा, भाई अपने चरणों की धूली दे दो, ये भी नहीं कह सकता, इतनी काबिलियत मुझमें नहीं है, किंतु ये धूल मैं ले सकूं, मेरे सिर पर पड़े ब्रज गोपियों के चरणों की धूल, जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनका सारी क्रियाएं श्री कृष्ण के सुख के लिए हैं, और इसको पाने के लिए मैं तृण गुल्म लता औषध होने के लिए कौन सी तपस्या करूं, बस यही विचार कर रहा हूं, मैं वो तपस्या करने को तैयार हूं। सोचिए, तो काम और प्रेम बहुत अंतर। इसलिए श्री उद्धव महाशय आदि भगवत प्रियगण इसी प्रीति की प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा प्रेम हो जाए जैसे कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। काम रूपी प्रतीयमान ब्रज सुंदरियों का ये जो प्रेम है वो रसिक शेखर श्री कृष्ण के लिए परम आनंददायक है। भाई बात तो यही है, जिससे तुम्हें आनंद हो हम वो करें, जिससे तुम्हें आनंद हो, चाहे वो लौकिक दृष्टि से कितना ही गर्हित क्यों ना हो, लौकिक दृष्टि से चाहे समाज उस पर थूथू क्यों ना करे, लेकिन अगर वो श्री कृष्ण का प्रिय है, कोई भी चीज कोई भी कार्य श्री कृष्ण चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि तुम खुश हो, बस तुम प्रसन्न रहो, सदा सर्वदा सुखी रहो, हमारे हर प्रयास से, हमारे हर काम से, हमारी यही एकमात्र दृष्टि होनी चाहिए कि युगल सरकार प्रसन्न हो, बस और कुछ भी नहीं। भजन करवा के प्रसन्न है तो भजन करवा के प्रसन्न रहो, भजन छुड़वा के कुछ और कार्य करवा के प्रसन्न हो तो उसमें प्रसन्न रहो, पर प्रसन्न रहना भाई, प्रसन्न रहना है ना। तो स्वसुख कि मैं मुझे मुक्ति मिल जाए, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अजी हजार ले लेंगे, करोड़ जन्म ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मगर खुश रहो, तुम खुश रहो, मेरे हर प्रयास बस तुम्हारी खुशी के लिए हो, है ना। तो इस प्रीति की प्रार्थना उद्धव महाशय आदि जैसे भक्तगण भी करते हैं। तो हमारे विश्वनाथ चक्रतिपाद जी कहते हैं कि देखो, श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आता है जब वो
गोपियों का ये प्रेम देखते हैं जो काम रूप में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि प्रीति का स्वभाव यही है कि जिसको प्रेम किया जाए उसकी तरफ से भी प्रीति का उल्लास देखने की लालसा जागृत होती है, है ना भाई। मैंने प्रेम किया तो मैं तो प्रेम में इतनी मत हूं कि मैं प्रेम का आस्वादन कर रही हूं, लेकिन जिसको प्रेम किया वो भी ये चाहेगा कि मैं देखूं तो ये कैसा प्रेम है, है ना। मैं भी तुम्हारे प्रेम से उल्लसित हो रहा हूं, तुम्हारा प्रेम मुझे सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। इसलिए श्री कृष्ण को जब वो काम रूप में अपना प्रेम अभिव्यक्त करती हैं, ये हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, अपने कर कमल हमारे वक्ष पर रख दो, अपने चरण कमल हमारे वक्ष पर रख दो, अपने कर कमल हमारे मस्तक पर रख दो, हमें जो है हम तुम्हारी निःशुल्क दासी हैं, हमें अपना लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो, ऐसे बोलते हैं कि श्याम सुंदर बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं है ना। तो क्योंकि अगर श्याम सुंदर का उल्लास नहीं दिखेगा तो प्रीति रहेगी नहीं, प्रीति कैसे रहेगी, प्रेम रहेगा तभी ना, जब वो उल्लसित होंगे तो प्रेम रहेगा, उल्लसित ही नहीं होंगे तो किस पत्थर दिल से प्रेम लगाया, इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, इनसे हमने दिल लगाया है, पत्थर दिल है, इनसे हमने प्रेम किया, पर श्री कृष्ण उल्लसित होते हैं। इसीलिए ही ब्रज सुंदरियां जो है वो बड़ा ही सुंदर यहां बन रहा है, इसीलिए ब्रज सुंदरियों के हृदय में अपने लिए रत्ती भर भी कोई सुख की वासना नहीं रहती, तो भी श्री कृष्ण के सुख को विधान के लिए, उनके सुख के लिए इन ब्रज किशोरियों के अंग में सूरत रंग प्रकाशित होता है। ये काम जो है वो काममय चेष्टा होती है उनकी, काममय चेष्टा होगी, है ना, हाव भाव हेला हिलना डुलना कटाक्ष इस तरीके से अपने अंगों को दिखाना, मोड़ना मरोड़ना, अंगड़ाई लेना, कुछ भी करना, है ना, श्याम सुंदर आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, वो सब इसलिए श्री कृष्ण को सुख देना है। लेकिन यहाँ दिखेगा ऐसे ऐसे कि महाकामुक है, इसे क्या हो गया, बड़े ध्यान से समझिए, ये बहुत गंभीर विषय है। गोपियां जो निज लज्जा छोड़ दी, धैर्य छोड़ दी, ताड़न भर्सन समाज उन्हें लांछित करता है, कलंकित करता है, पर वो कहती है हमें कृष्ण कलंकनी बोल दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपाधि हो गई, वाह 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 कृष्ण कलंकनी बोल दिया, एक बार फिर से कहो ना मैं कृष्ण कलंकनी हूं, मैं कृष्ण की नाम से जुड़ना चाहती हूँ, श्री कृष्ण कलंकनी होना चाहती हूँ, है ना। बड़ी प्रसन्न है और बड़ा हाव भाव हेला और क्या क्या दिखाती हैं श्याम सुंदर को, पूरे श्रृंगार रस का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं और श्याम सुंदर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समस्त प्रयास जो है वो स्वसुख वासना रहित हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकना बड़ा मुश्किल है, ये मैं तो आपको बतला दूं सच बात, उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि वो अपना अंग मार्जन आदि करके वसन भूषण पहनकर सुशोभिता होती हैं, वो भी इसीलिए श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब वर्णन आता है कि गोपिकाओं की क्या स्थिति हो गई, उन्होंने फिर कोई श्रृंगार नहीं किया, समस्त श्रृंगार को त्याग दिया, अब वो रेशमी साड़ियां पहनना छोड़ दिया उन्होंने, अंग मलिन हो गया, क्षीण हो गया, काया की तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही निज देह की विस्मृति के शिकार हैं, ये निज देह का सुख कहाँ जानती हैं, देह सुख नहीं जानती हैं, तो कहाँ ये सजना धजना जानती हैं कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, मैं ये पहनूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ, मैं ये चूड़ी पहनूँ तो अच्छी लग, मैं ये कुंडल पहनूँ तो अच्छी लगती हूँ, नहीं, मैं ये कुंडल पहनूं तो श्याम सुंदर इस कुंडल को देखकर कितने प्रसन्न होंगे, वो क्या कहेंगे, उनके जो है मुख की मुद्रा कैसी होगी, आह बड़ा ही सुंदर है ये गोपी भाव, श्री कृष्ण सुख के लिए सब कुछ, बड़ा सा बड़ा दुख आपको बताया ना प्रिया जी, क्या कह रही हैं कि जैसे बहुत सारे
कुकुर मिलके, कुत्ते मिलकर के भौंकते रहें तो सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें ग्रहण ही नहीं करता। सिंह जो कुत्तों का शिकार थोड़ी ना करता है, तो हिरण का और बाकी अच्छे पशुओं का शिकार करता है। ऐसे ही ये जो गोपियों का प्रेम है, प्रिया जी का प्रेम है, वो जितने भी क्लेश उसके सामने क्यों ना आ जाएं, कितने भी बाधाएं, कितने भी दुख, तो वो प्रेम रूपी सिंह उन्हें कुकुर की तरह देखता है। अरे ये तो इनका कोई मायने नहीं है मेरे जीवन में। अत्यंत अतिशय दुखों को सह करके वो कृष्ण सुख का ही काम ना हृदय में लिए रहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि एक बार द्वारिका में श्याम सुंदर ने गोपिकाओं के प्रेम की उत्कृष्टता दिखाने के लिए अभिनय किया कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु सिर दर्द का क्या उपाय है, इसे कैसे ठीक करें। तो उन्होंने कहा किसी कृष्ण अनुरागी भक्त का, उनके चरण की धूल आप ले आइए और मेरे माथे पे लगा दीजिए, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा ही सहज है प्रभु। तो नारद जी आप ही दे दीजिए। क्या प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे दे दूं अपने पैरों की धूल, आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं, ऐसा मत कहिए। ठीक है, गए उनकी पत्नियों के पास, 16108 महिषियों के पास, आप ही दे दीजिए अपने चरणों की धूल, श्याम सुंदर के सिर में बहुत व्यथा हो रही है। वो सब चिंतित हैं, पर कहती हैं अरे नारद जी क्या करोगे, नरक भिजवाओगे क्या है? अपने पैरों की धूल, अपने पति, हमारे पति हमारे भगवान हैं, उनके सिर पर हम मल दें, ये संभव नहीं है। तो कहीं कोई भक्त नहीं मिला, सब भक्तों ने मना कर दिया। आ गए ब्रजधाम। ब्रजधाम में गोपिकाओं ने कहा नारद जी क्या बात है, बड़े परेशान हैं। तो नारद जी ने कहा हाँ बस श्याम सुंदर के माथे में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है हमारे श्याम सुंदर के माथे में, हाय रे क्या कह दिया आपने, इससे बड़ी भयंकर सूचना, इससे भयंकर समाचार कुछ हो ही नहीं सकता है। बताइए नारद जी क्या किया जाए कि वो सुख प्राप्त करें। बस कोई अगर अपने चरणों की धूल दे दे कोई भक्त, तो अगर तुम दे दो गोपिकाओं। अरे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं आए, बिल्कुल लीजिए, कितने चाहिए, कितने टन मन, जितने चाहिए उतने ले जाइए, नहला दीजिए श्याम सुंदर को इसमें, फिर कभी उनके सिर में व्यथा नहीं उठनी चाहिए। क्या कह रही हो, तुम जानती हो वो भगवान है, अगर तुम्हारे चरणों की धूली उनके माथे पर लगाई जाएगी तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो बोली नरक, हंसने लगी, नरक नरक हम जाएंगे, कृष्ण तो सुखी हो जाएंगे ना, हमें नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, श्री कृष्ण का सुख ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपको याद हो तो एक बार जिक्र आया था जब उद्धव जी ने पूछा था किशोरी जी से, किशोरी जी मैं वापस जा रहा हूं, कोई कोई समाचार है श्री कृष्ण के लिए तो बताइए मैं कह दूं। तब किशोरी जी ने कहा उद्धव तुमने हमारी दशा तो देख ली, एक एक क्षण कोटि कल्प के समान बीत रहा है उनके विरह में, वो आ जाते तो अच्छा था, लेकिन अगर उन्हें यहाँ आने में थोड़ी भी असुविधा हो, थोड़ा भी दुख का सामना करना पड़े तो वो यहाँ कभी ना आए, हम उनके विरह रूपी विष का हंसते हंसते पान करती रहेंगे, हम बहुत दुखी रहेंगे, टूटेंगे, लेकिन तो भी वो यहाँ ना आए, उनका सुख ही एकमात्र हमारा काम में है। ये है प्रेम जो ध्वंस ही नहीं होता, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रेमिक स्वयं कितना बड़ा ज्वाला, कितना बड़ा दुख क्यों ना दे दे। आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। गौरहरि बोल रहे हैं गोपी भाव में, तुम चाहे मुझे समस्त गोपियों के सामने आलिंगन करो, मेरा सम्मान बढ़ाओ, या मुझे ठुकरा दो, मुझे याद भी ना करो, मुझे देखो भी ना, या तुम मेरे सामने ही किसी अन्य रमणी से प्रेम करो, लेकिन तो भी आप जो भी करें मेरे नाथ आप ही हैं, स एव ना परा, उसके अलावा मेरा नाथ अन्य कोई नहीं है। तो जो ब्रज सुंदरियां हैं
उनका अपने प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। ब्रज सुंदरियों की समस्त जो चेष्टा है वो श्याम सुंदर को सुप्रसन्न करने के लिए है। लेकिन जब ये बात आती है समझ, तो एक प्रश्न और उठता है कि जब पुरुषार्थ ही आनंद प्राप्ति है, भाई हम कमाते हैं इसलिए कि आनंद प्राप्त करें, हम खाते हैं इसलिए आनंद प्राप्त करें, हम पढ़ते हैं इसलिए कि बाद में आनंद आएगा, आनंद प्राप्ति के लिए ही हम भजन करते हैं, गुरु वैष्णवों का संग करते हैं, आनंद आनंद आनंद, हम हर पल हर क्षण आनंद की तलाश करते हैं, हम ब्याह करते हैं, हम ब्याह से बाहर होते हैं, हम कुछ भी करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं, हम आनंद भोगी हैं, हम आनंद के अंश हैं, आनंद हमें चाहिए। और गोपियां कह रही हैं निज सुख नहीं चाहिए, तो फिर उनका पुरुषार्थ कि आनंद जो है अगर वो नहीं चाहेंगी तो उनकी ज़िंदगी बेकार है, कृष्ण आनंद ही चाहेंगे, कृष्ण का सुख कृष्ण का सुख, तो उनका अपना जीवन ही बेकार है बिना आनंद के, है ना। आनंद के लिए ही तो व्यक्ति मारा मारा फिरता है, तो गोपियाँ आनंद नहीं पा रही तो इसका मतलब वो तो बेकार हो गया सारा कुछ उनका सजना धजना। तो क्या गोपियों को कोई आनंद नहीं मिलता? अगर मिलता है तो ये आनंद किस तरह का होता है जानेंगे हम, शिवन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।